हेलो। देखिए, आपका ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ाया जा रहा था और ज्यूरिसप्रूडेंस में अब तक जो पढ़ाया गया है, दो चार लाइन दोहरा दिया जाए तब आपका आगे हम पढ़ाते हैं। ज्यूरिसप्रूडेंस में हमने ये बताया था कि ज्यूरिसप्रूडेंस का मतलब क्या होता है। इसके बाद हमने जो ज्यूरिसप्रूडेंस में बताया था कि विधि की परिभाषा या विधि की डिफिनीशन को लेकर विद्वानों में एक मत या एक राय नहीं है। अतः विद्वानों ने ला की जो परिभाषा दी है वह भिन्न भिन्न है और ला की परिभाषा के आधार पर पांच स्कूल बन गए, अर्थात पांच विचारधाराएं बनी, और पांचों विचारधाराओं का जो थीम है वह आपको बताया गया था। इसके बाद कुछ बुक बताई गई थी कि कौन सी किताब किसने लिखी है। इसके बाद आपका कुछ प्रिंसिपल बताया गया था, कुछ सिद्धांत बताए गए थे, और वह सिद्धांत किन विद्वानों ने दिया है ये आपको बताया जा चुका है। इसके बाद हम ज्यूरिसप्रूडेंस की परिभाषा शुरू किए थे और कुछ परिभाषाएं बताए थे, यानी कि नेचुरल स्कूल वाले कैसे परिभाषित करते हैं ज्यूरिसप्रूडेंस को, ये हमने बताया था। नेचुरल स्कूल में आपका अल्पियन और सिसरो की परिभाषा बताई गई थी, और सिसरो की परिभाषा पिछली बार आपका यूपी जे में भी आया है। फिर आपका अल्पियन का भी आया है कि डाइजेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये बताया गया। फिर कुछ सोशलिस्ट स्कूल वालों के आपका परिभाषाएं बताई गई, जिसमें मुख्य रूप से रास्को पाउंड की परिभाषा बताई गई, डिगवी की परिभाषा बताई गई, हेराल्ड जेलास्की की भी परिभाषा आ चुकी है कि ज्यूरिसप्रूडेंस इज द आइज ऑफ लॉ, यानी कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। इसके बाद पिछली बार यूपीजे में जूलियस स्टोन की परिभाषा आई थी कि विधि शास्त्र अधिवक्ताओं की बहिर्मुखी अभिव्यक्ति है। यानी कि ज्यूरिसप्रूडेंस आपका क्या है, तो लायर्स एक्सट्रावर्जन, बहिर्मुखी अभिव्यक्ति। अर्थात जूलियस स्टोन स्वयं एक एडवोकेट थे और ये मानते थे कि जब न्यायालय में कोई एडवोकेट अपने तर्क रखता है, विचार रखता है, और तो उसी का अध्ययन ही आपका ज्यूरिसप्रूडेंस में किया जाता है। अब हमें चलना है एनालिटिकल स्कूल के विचारकों के बारे में, और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। विश्लेषणात्मक विचारधारा, यानी कि एनालिटिकल स्कूल या विश्लेषणात्मक विचारक कैसे परिभाषित करते हैं, इसे उन विचारकों का विचार देखना है। विचारक आपका एनालिटिकल जो आपका विचारक हैं उनमें सर्वप्रथम आते हैं जॉन ऑस्टिन। कई बार इनके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन जॉन ऑस्टिन के बारे में तीन चार नियमों को जानिए, और आपका जॉन ऑस्टिन दो क्वेश्चन एक साथ यूपीजे में आ चुका है कि फादर ऑफ आंग्ल ला, यानी कि आंग्ल विधि या इंग्लैंड की विधि का फादर कौन माना जाता है। इंग्लैंड की विधि का फादर ज्यूरिसप्रूडेंस में किसे माना जाता है, तो आपका जवाब रहेगा जॉन ऑस्टिन। आयोग एक बार दो क्वेश्चन बनाया है। दूसरा क्वेश्चन बना है एनालिटिकल स्कूल अर्थात विश्लेषणात्मक विचारधारा का पिता कौन है, तो आपका जवाब रहेगा जॉन ऑस्टिन।
अब एक क्रम भी बना लेना है, जानाष्टीन जब भी पढ़िए, जो नए नए मॉडल उत्पन्न हो रहे हैं, आपका गुरु और चेला बना लेना है, तो चेला हमेशा गुरु से एक कदम आगे रहता है। जानाष्टीन की परिभाषा हम अभी बताते हैं, लेकिन जानाष्टीन के बारे में आपका क्रम गलत न हो। जर्मी बेंथम बनाइएगा, फिर आपका इसके बाद आस्टिन बनाइएगा, आस्टिन के बाद आपका हैंस केल्सन बना लीजिएगा, और हैंस केल्सन के बाद प्रोफेसर HLA हार्ट बना लीजिए। फिर मैं बता दूं कौन कौन क्रम से लिखना है, जर्मी बेंथम, आस्टिन, केल्सन और हार्ट। देखिए जो आगे वाले हैं ये गुरु हैं और बाद वाले चेले या शिष्य हैं, तो हमेशा कहा जाता है कि चेला गुरु से एक कदम आगे रहता है, और UPJ में ऐसा मॉडल भी एक बार बना है, और वह बना है कि हैंस केल्सन को किससे एक कदम आगे माना जाता है। तो चूंकि हैंस केल्सन के गुरु आस्टिन थे, अतः हैंस केल्सन को आस्टिन से एक कदम आगे माना जाता है। अब इसको क्रम बना लेना है, जान आस्टिन किससे एक कदम आगे थे, जर्मी बेंथम से, केल्सन किससे एक कदम आगे थे तो आस्टिन से, और हार्ट किससे एक कदम आगे थे तो केल्सन से। आइए इसी वाक्य को कि चेला गुरु से एक कदम आगे रहता है, हम थोड़ा राजनीति में भी जोड़ें। फिर एक बार आपको बता दिया जाए, जो एलेस्ट्रेशन दिए जाते हैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं दिया जाता, और ये एक जनरल वे में लीजिए समझने के लिए। आइए गुरु चेला देखा जाए, हमेशा चेला चीनी हो जाता है और गुरु गुरु रह जाते हैं। पहला उदाहरण मोदी जी और आडवाणी जी पर देखा जाए, मोदी जी के गुरु आडवाणी जी थे, और जब जब PM बनने की बारी आई तब तक कुछ न कुछ उनके साथ घटित हो गया, और अंत में जब बारी आई तो चेला गुरु को बाहर करके क्या बन गया, PM, यानी कि आडवाणी से एक कदम आगे कौन निकल गए, मोदी। इसी प्रकार आप केजरीवाल और अन्ना हजारे का देख सकते हैं, केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे थे, लेकिन देखिए अन्ना हजारे वहीं रह गए, और केजरीवाल जो चेला था अन्ना का, वह एक कदम क्या हो गया, आगे बढ़ गया और दिल्ली का CM बन बैठा। तो हमेशा ये इतिहास गवा रहा है। आगे देखा जाए, जान आस्टिन आपका ये एनालिटिकल स्कूल के भी फादर हैं, तो जान आस्टिन जुरिस्प्रूडेंस को कैसे परिभाषित करते हैं। जान आस्टिन ये कहते हैं कि जो ये जुरिस्प्रूडेंस हैं या विधि शास्त्र हैं, यह विध्यात्मक विधि माने पॉजिटिव लॉ का दर्शन है, यानी कि आपका विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का दर्शन है। यहाँ दर्शन का मतलब हुआ साइंस से हुआ, यानी कि विधि शास्त्र के अंतर्गत जो एक्चुअल लॉ है, जो पॉजिटिव लॉ है, उसी का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अब समस्या ये आई कि आखिर पॉजिटिव लॉ क्या है, तो जब आस्टिन डिटेल में हम चलाएंगे तब तो आपको पढ़ाएंगे ही, लेकिन यहाँ आपको जो देखना है वह ये देखना है कि पॉजिटिव लॉ का मतलब क्या हुआ। तो एक लाइन हम समझा देते हैं, पॉजिटिव लॉ का मतलब हुआ कि किसी संप्रभु द्वारा अपने अधीनस्थों के आचरण के लिए बनाए गए जो रूल हैं, नियम हैं, उसी को
पॉजिटिव लॉ कहते हैं, और ये और इसी नियम का ही आपका अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन किस में किया जाता है, आपका जुरिस्प्रूडेंस में। अगला क्वेश्चन जो जॉन ऑस्टिन से बना है वह ये बना है कि जॉन ऑस्टिन के बारे में अगला क्वेश्चन जो बना है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जॉन ऑस्टिन ने जुरिस्प्रूडेंस को कितने काइंड्स में डिवाइड किया, कितने भागों में डिवाइड किया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जहाँ तक जॉन ऑस्टिन की बात है, इन्होंने विधिशास्त्र को दो वर्गों में विभाजित किया, एक जनरल जुरिस्प्रूडेंस यानी कि सामान्य विधिशास्त्र और दूसरा पर्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस यानी कि विशिष्ट विधिशास्त्र। अब आइए सामान्य विधिशास्त्र को देखते हैं। देखिए आपका जॉन ऑस्टिन ने दो वर्गों में बांटा जुरिस्प्रूडेंस को, ये पूछ सकता है, एक आपका जनरल जुरिस्प्रूडेंस और दूसरा पर्टिकुलर। अब जनरल जुरिस्प्रूडेंस में क्या होता है, पर्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस में क्या होता है, ये एक एक लाइन समझ लेना है। देखिए ये जो जनरल जुरिस्प्रूडेंस है ये जॉन ऑस्टिन ये कहते हैं कि इसके द्वारा आपका कंपरेटिव स्टडी की जाती है, यानी कि पूरे विश्व में लॉ के कौन कौन से नियम एक जैसे हैं, यानी कि कौन से लॉ के नियम पूरे वर्ल्ड में एक समान पाए जाते हैं और एक समान पाए जाते हैं, उसका जब अध्ययन किया जाएगा तो वह किस जुरिस्प्रूडेंस में आएगा, जनरल। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपका रेह जुडिकेटा हो गया यानी कि प्रांग न्याय, स्टापेल यानी कि विबंध हो गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियो पार्डी यानी कि दोहरे खतरे से संरक्षण हो गया। ऑस्टिन ये बताते हैं कि ये जो नियम है ये एक देश में नहीं लगभग हर एक देश के विध में पाए जाते हैं, और इसका अध्ययन किस में किया जाता है, तो जनरल जुरिस्प्रूडेंस। और जब कोई लॉ का नियम किसी विशिष्ट कंट्री में ही पाया जाता हो, पूरे विश्व में नहीं, तो उन नियमों का अध्ययन हम किस में करते हैं, पर्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस में या स्पेसिफिक जुरिस्प्रूडेंस में। आपका ये ऑस्टिन बताते हैं। ऑस्टिन के बारे में फिर दो तीन बातें और हम देख लें जो कंपटीशन में पूछी गई हैं, और वह बात है, देखिए ऑस्टिन फिर क्या बताते हैं, आपका तीन एंगल से हम ऑस्टिन को और बताते हैं। ये जो सावरेंटी है, संप्रभुता, संप्रभुता के गुण पूछे जाते हैं कितने प्रकार की होती है ये, इसके बाद आपका कमांड या समादेश भी पूछा गया है कि ऑस्टिन के अनुसार समादेश कौन कौन होते हैं, कमांड कौन कौन होते हैं। तो जब भी दोनों क्वेश्चन आए तो अगर संप्रभुता या समादेश पूछे तो संप्रभुता के गुण आपका निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी, और कमांड पूछे तो कमांड भी या समादेश भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। ये दोनों क्वेश्चन यूपीजे में
आ चुके हैं, इसको अच्छे से क्या करना है, तैयार। अब आइए ऑस्टिन के बाद आपका जो हम परिभाषा देखते हैं वह हॉलैंड की देखते हैं। आखिर हॉलैंड महोदय ज्यूरिसप्रूडेंस को किस रूप में परिभाषित करते हैं? हॉलैंड की परिभाषा महत्वपूर्ण है, ये परिभाषा भी आप सॉल्व देखते रहिए, यूपीजे में आ चुकी है, कई बार रिपीट किया है। देखिए, विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है, यानी कि ज्यूरिसप्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। फिर एक बार हम बता रहे हैं, विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि यानी कि पॉजिटिव लॉ का प्रारूपिक विज्ञान है, यानी कि ज्यूरिसप्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। अब यहाँ आपको एक एक शब्दों का चीड़फाड़ करना है, जो ये फॉर्मल मैं बता रहा हूँ प्रारूपिक, इस शब्द को यूपीजे में आयोग ने भिन्न भिन्न इसके लिए शब्दों का यूज किया है। प्रारूपिक को कभी औपचारिक लिख दिया है प्रारूपिक शब्द की जगह, कभी रचनात्मक लिख दिया है, तो घबराना नहीं है, रचनात्मक दे, प्रारूपिक दे, औपचारिक दे, इंग्लिश वर्जन याद रखिए फॉर्मल। इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्टिन के अनुसार ये भी कहते हैं कि आपका ज्यूरिसप्रूडेंस वह है जिसमें कि पॉजिटिव ला यानी कि सॉवरेन द्वारा अपने सबॉर्डिनेट के लिए जो रूल बनाए जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव लॉ का फॉर्मल एक्सप्रेशन है, उसकी कह सकते हैं कि उसकी औपचारिक अभिव्यक्त है, यानी कि ज्यूरिसप्रूडेंस में आपका जो अध्ययन किया जाता है वह केवल और केवल किसका किया जाता है, बाहरी बातों का नहीं बल्कि केवल किसका, पॉजिटिव लॉ। ये भी ऑस्टिन से ही क्या है, थोड़ा रिलेटेड। अब आइए, ऑस्टिन ने चूंकि ज्यूरिसप्रूडेंस को दो भागों में बांटा था, एक सामान्य विधिशास्त्र और दूसरा विशिष्ट विधिशास्त्र, तो हॉलैंड इसकी आलोचना करते हैं और इसकी आलोचना करते हैं बंटवारे की। अब आइए सामंड की परिभाषा देखा। जहाँ तक आपका हॉलैंड के बाद जो परिभाषा आपकी देखनी है ये सामंड की देखनी है, एक दो परिभाषाएं और मुख्य बची हैं, तब आगे बढ़ा जाएगा। सामंड का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए क्या ये परिभाषित करते हैं, विधि शास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है, यानी कि साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, यानी कि ज्यूरिसप्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, यानी कि नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। अब नागरिक विधि क्या है, सिविल लॉ क्या है, तो नागरिक विधि का मतलब ये बताते हैं जो ला यानी कि जो विधि किसी पर्टिकुलर देश में प्रचलित हो, यानी कि जो कानून किसी पर्टिकुलर देश में प्रचलित हो, अर्थात जो कानून भारत में प्रचलित हैं उसके जो फर्स्ट प्रिंसिपल हैं उसी का ही ज्यूरिसप्रूडेंस में अध्ययन किया जाता है, इंग्लैंड में प्रचलित हैं, अमेरिका में प्रचलित हैं। चूंकि ये आपका, चूंकि कह सकते हैं कि ये
आपका विशिष्ट विधिशास्त्र को प्रश्रय देते हैं। अतः ऑस्टिन ने जो बंटवारा किया था, जुरिस्प्रूडेंस को दो भागों में बांटा था, उसकी ये आलोचना करते हैं। कौन सामंड और कह सकते हैं कि ये जनरल जुरिस्प्रूडेंस को मानने से इनकार करते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि सामंड किसके समर्थक हैं, सामान्य विधिशास्त्र की विशिष्ट की दोनों विशिष्ट। ऑस्टिन की बंटवारे की आलोचना कौन विद्वान करता है, तो आपका सामंड भी करता है। सामंड ने किस विधिशास्त्र को प्रश्रय दिया, पर्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस। पर्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या हुआ, जो किसी एक देश में पाया जाए, पूरे विश्व में न पाया जाए। तत्पश्चात आपका कह सकते हैं कि इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वह आता है आपका कह सकते हैं कि हैंस केल्सन का, यानी कि हैंस केल्सन का भी कोटेशन आ चुका है। अब हैंस केल्सन के बारे में कुछ नियमों को देखा जाए तब आपका और चीज़ें बताई जाएं। देखिए अभी तीन चार विद्वान आपके बचे हैं जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से कंपटीशन में पूछा जाता है। अब एनालिटिकल में हम देखते हैं हैंस केल्सन, देखिए पहले हैंस केल्सन के बारे में आपको पहले कुछ बातें बताई जाए, तब इनकी जुरिस्प्रूडेंस की डिफिनीशन बताई जाए। और ये जो कुछ बातें बताई जा रही हैं, आप जाकर साल में आज से ही देखना शुरू करिए क्या ये बातें आपका यूपीजे में आ चुकी हैं कि नहीं। आपका ये देखना है जाकर। पहला क्वेश्चन जो यूपीजे ने बनाया, जो अभी हमने मॉडल भी बनाया था, कि हैंस केल्सन किससे एक कदम, हैंस केल्सन किससे एक कदम आगे माने जाते हैं, तो जॉन ऑस्टिन। ये दूसरा जो आपका क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है, अच्छा क्वेश्चन बना है, कि एनालिटिकल स्कूल किस विद्वान के समय अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी कि स्वर्णिम युग में था या गोल्डन एज में था। ये क्वेश्चन अच्छा बनता है कि किस विद्वान के काल में एनालिटिकल स्कूल का गोल्डन एज माना जाता है, तो कौन सा विद्वान मारेंगे, हैंस केल्सन। तीसरा क्वेश्चन आइए, वियना विचारधारा या वियना जो थाट है वह किससे रिलेटेड है, तो क्या मार्कर आएंगे, हैंस केल्सन। अगला, किस विद्वान ने ग्रैंड नॉर्म का सिद्धांत दिया, मूल मानक का सिद्धांत दिया, तो आपका क्या जवाब रहेगा, हैंस केल्सन। ग्रैंड नॉर्म आगे बताया जाएगा। तो इन्होंने जुरिस्प्रूडेंस की क्या परिभाषा दी, बस छोटी, जैसे ही मानकीय आ जाए, मानक या नॉर्म जैसे ही आए वैसे ही आप क्या मारकर आ जाएंगे, मानक 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 माने नमूना होता है। देखिए क्या कहते हैं जुरिस्प्रूडेंस की परिभाषा देते हुए, विधि शास्त्र मानकीय विज्ञान है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जुरिस्प्रूडेंस के तहत हम जो ये मानक हैं इसी का क्या करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। जुरिस्प्रूडेंस के तहत हम किसका क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, ग्रैंड माने नॉर्म का, यानी कि मानक का। मानक क्या है हम आगे बताएंगे। इसके बाद आपका जो परिभाषा दी गई है जुरिस्प्रूडेंस की, वह हम देखेंगे प्रोफेसर एलेन की परिभाषा। अब ये परिभाषाएं दो तीन आपको याद करनी पड़ेगी।
प्रोफेसर एलेन क्या कहते हैं? तो पहले प्रोफेसर एलेन के बारे में कुछ बता दिया जाए और तब इनकी परिभाषा इत्यादि हम बताते हैं। देखिए, प्रोफेसर एलेन एक ऐसे विद्वान हैं जो सब में खोट ही खोजते हैं, यानी कि सब में कमी ही खोजते हैं, सब में कमी ही खोजते हैं और सब पर कमेंट करते रहते हैं। तो कुछ पढ़ने वाले लड़के भी हैं जो हर एक टीचर की बुराई करेंगे, लेकिन आपका उनकी अच्छाई नहीं देखेंगे। तो भाई, प्रत्येक आदमी परिपूर्ण नहीं है, कुछ न कुछ कमी सब में है। और कुछ लड़के पढ़ने वाले होते हैं कि कोई भी टीचर हो उसकी बुराई ज़्यादा करेंगे और बड़ाई कभी नहीं करेंगे। तो हमारे कबीर दास जी भी कहते हैं कि निंदक को क्या रखना चाहिए, नियरे यानी कि निकट रखना चाहिए। अगर निकट रहेगा तो आपकी कमियों को क्या करेगा, उजागर करेगा। और मैं भी अपने बारे में बता दूं कि जो भी कमियां रहती हैं, जब सलाह दी जाती हैं या जब कोई हमें बताता है, तो अगर वह उचित लगता है तो तुरंत उस कमी को दूर किया जाता है। तो प्रोफेसर एलेन कटाक्ष करते हैं और कटाक्ष आपका ऑस्टिन पर ही करते हैं ज़्यादा, जैसे कि आपका ऑस्टिन पर करते हैं। जैसे कि कहावत भी कही जाती है कि बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो प्रोफेसर एलेन ये कहते हैं, पाल्म ट्री कहते हैं, यानी कि पाल्म ट्री मतलब ताड़ का वृक्ष ऑस्टिन को कहते हैं, अर्थात ऑस्टिन बड़ी लंबी लंबी डीगे हाकेगा लेकिन धरातल पर उसका कोई असर नहीं है। जैसे सरकारें हैं, खूब लंबी लंबी डींगे हाकेंगी, रोज योजना बनाएंगी, लेकिन आम आदमी तक वह योजना पहुंच ही नहीं पा रही है। और उसी प्रकार तो ये क्या कहते हैं जुरिस्प्रूडेंस के बारे में प्रोफेसर एलन को देखा जाए। विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है, यानी कि विधि शास्त्र विधि के लाके जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उसका सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करता है, यानी कि ला के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उसका सिस्टमेटिक ढंग से क्या करता है जुरिस्प्रूडेंस, अध्ययन करता है, ये प्रोफेसर एलेन कहते हैं। इसके बाद आपका प्रोफेसर एच एल ए हार्ट को देखना है। प्रोफेसर एच एल ए हार्ट, अब हार्ट के बारे में भी एक दो नियम बता दिया जाए। हार्ट किससे एक कदम आगे माने जाते हैं, तो आपका जवाब रहेगा, चार्ट अभी हमने बनाया था, तो हैंस केल्सन से। किससे? हैंस केल्सन से। हार्ट किसके चेले थे? केल्सन के। विधि और नैतिकता के बारे में किसने विस्तृत आपका कह सकते हैं कि व्याख्या की, दो क्वेश्चन पिछली बार जे में हार्ट से आया था। तो विधि और नैतिकता के बारे में, लॉ एंड मोरालिटी के बारे में विस्तृत वर्णन प्रोफेसर एच एल ए हार्ट ने किया। और ये भी ऑस्टिन की आपका क्या करते हैं, आलोचना। देखिए ये क्या कहते हैं, ये जो ऑस्टिन ने ये कहा था कि ला इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, विधि संप्रभु का समादेश है, और अगर संप्रभु ने समादेश दे दिया तो जनता का ये कर्तव्य है कि उस कमांड या आदेश या समादेश को माने। अगर जनता उस समादेश का वायलेशन करती है तो ये जो संप्रभु हैं, सावरेन हैं, ये जनता को सेंशन देगा, अनुशास्ति देगा, यानी कि टार्चर करेगा।
जेल में रखकर, मृत्युदंड देकर, जुर्माना लगाकर, प्रतकर लगाकर, जो भी हो। अब हार्ट ये कहते हैं कि जो ये ऑस्टिन की विधि है, ये बंदूकधारियों की विधि है। बंदूकधारियों की विधि का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार एक बंदूकधारी आता है, पिस्टल दिखाता है और कहता है कि सब कुछ सामान दे दो, नहीं तो ऊपर पहुंचा देंगे, यानी कि ठोकिया जैसे ठोक देंगे, कहाँ पहुंच जाओगे, ऊपर। उसी प्रकार ऑस्टिन है कि संप्रभु ने ला बनाया, पालन करो, नहीं तो हम क्या करेंगे, सेंशन देंगे। जबकि कानून का पालन कुछ नैतिकता वश भी लोग करते हैं, केवल डर या भय वश नहीं। तो आखिर प्रोफेसर H.L.A. हार्ट जुरिस्प्रूडेंस को किस प्रकार परिभाषित करते हैं? ये कहते हैं कि विधि शास्त्र के विज्ञान की कुंजी प्राथमिक और द्वितीयक नियमों के सहयोग या सम्मिलन में निहित है। विधि शास्त्र के विज्ञान की कुंजी प्राइमरी और सेकेंडरी जो रूल हैं या नियमों के सहयोग या सम्मिलन में निहित हैं। इसके बाद आपका जो परिभाषा बत्ती है, एक परिभाषा बत्ती है प्रोफेसर चिपमैन ग्रे की, इसका भी एक लाइन देख लिया जाए, कम पूछा गया है। विधि शास्त्र न्यायालयों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों के अभिकथन तथा क्रमबद्ध व्यवस्था एवं उन नियमों में अंतर्निहित सिद्धांतों के विधि का विज्ञान है। फिर एक बार कोटेशन हम दोहरा देते हैं। विधि शास्त्र न्यायालयों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों के अभिकथन तथा क्रमबद्ध व्यवस्था एवं उन नियमों में अंतर्निहित सिद्धांतों के विधि का विज्ञान है, कम चांस रहता है। इस प्रकार आपका जो भिन्न भिन्न विद्वानों की परिभाषाएं थी वो हमने कल से बताया। अब आ जाइए भारतीय विद्वान देखा जाए। भारत के लोग जुगाड़ गाड़ी ज़्यादा काम करते हैं, जुगाड़ से। तो भारत में एक डॉक्टर सेठना है, याद रखिएगा, कौन विद्वान है, डॉक्टर सेठना। तो भाई भारत के लोग करते क्या हैं, दो औजार वहाँ से लिए, दो औजार वहाँ से और दो औजार वहाँ से, और हेलीकॉप्टर जहाज बना देते थे और कहते थे कि हमने क्या किया है, बनाया है। तो डॉक्टर सेठना ने भी यही काम किया, और विश्लेषणात्मक को ले लिया, समाजशास्त्री को ले लिया, ऐतिहासिक को ले लिया, और कहा कि इन्हीं का अध्ययन हम, इन्हीं का जो संश्लेषण है, मिश्रण है, या इन्हीं का मिश्रण है, हम उसी का अध्ययन किसमें करते हैं, जुरिस्प्रूडेंस में। वैसे कभी भी डॉक्टर सेठना की आज तक परिभाषा बनी नहीं है। तो इस प्रकार आपको अब तक बताया गया जुरिस्प्रूडेंस की परिभाषा, अच्छे से इसको तैयार करके जाइए, एक क्वेश्चन यहाँ से जे में नेट में निश्चित बनता है। तो अगला क्लास आपका कल चला जाएगा, और कल आपका, अब चूंकि 5 स्कूलों का थीम बता दिया गया था, तो पहला स्कूल हम शुरू करेंगे नेचुरल स्कूल, या प्राकृतिक विचारधारा, या नैसर्गिक विचारधारा, या डिवाइन ला, या यूनिवर्सल ला, या आपका मैंने सार्वलौकिक विधि या उच्च विधि। और ये शुरू किया जाएगा, आपका क्वेश्चन बनाना है और कैसे चंद आ सकते हैं, कैसे पीछे आए हैं, और आप क्वेश्चन का मॉडल जो लोग ये इत्यादि देना चाहते हैं अभी से देखना शुरू कर दें। धन्यवाद।